इस वेले असीं पुज्जे हाँ मिनी गोवा विच, जिथे सैलानियों के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। तुहानू दस दिए कि सैलानियों के खिच के लिए इत्थे जिहड़ा माउंटेन बाइक्स उसका इंतजाम किया गया है, हॉर्स राइडिंग का इंतजाम किया गया है, हॉट बैलून का इंतजाम किया गया है, इस दे नाल नाल रोपवे अते स्पीड बोर्ड का भी इंतजाम किया गया है, ता जो सैलानी इस थां ते आ के एक वधिया अनुभव महसूस कर सकन। साढ़े वालों सारिया जी IS नॉर्म्स बोटा वरतिया जाए जो बिल्कुल सेफ होंदिया, गवर्नमेंट अपरूवड होंदिया। साढ़े को तीन तरह दी बोट्स ने, स्पीड, हाई स्पीड ते याच। जी स्पीड बोट है वो जी नॉर्मल स्पीड में चलती है जिससे आप इस वक्त जा रहे हैं। एक साढ़े को हाई स्पीड जिस तरह गोवा से चलती है बोट जी अगों चको के चलती है वो फुल स्पीड चलती है वो हाई स्पीड है। तो एक साढ़े को हैगी याच जी प्राइवेटली जोड़े पसंद करते हैं जाना उन्होंने। असं देखते हैं कि जड़िया इतने बोट्स है कि होर पंजाब च नहीं देखिया जाए कि खास मंगाई गई हैं जहाँ कित होर भी है पंजाब दे। नहीं नहीं सर, जड़ियाँ है स्पैशल अपना USA तो इंपोर्ट की रीगल दियाँ, रीगल दियाँ इन च वोल्वो के इंजन लगे हुए पेंटा के, तो ये सिर्फ साढ़े को ही ने इत नॉर्थ से। तो खास की है इस इन बोटा के कि जोड़े टूरिस्ट इतने भजते आते मिनी गोवा सर। ये जड़िया बोट्स है एक तो इस इलाके किसी को भी नहीं है, पंजाब से कही पूरे नॉर्थ से कही है। सेफ्टी वजो डबल डैकर है, इन्हों के मतलब कि सेफ्टी फीचर्स इन्ने के एडवांस है कि कुछ नहीं हो सकता बंदे नूं भी फ्रीली जिस तरह तुम आम तुर रहे हो तुम उदा फील करके बिल्कुल सेफली। पहले लोग आते हैं गेट पर डरते हैं कि आप करा, पर जो बैठ जाते हैं वह आके कहते हैं कि इन्ना मज़ा आया कोई हिसाब नहीं। जी अभी देखते कि प्री वैडिंग का भी काफ़ी रुझान है इस एरिए, वो कपल भी आते हैं। हाँ जी, वो कहते कि हूँ जो कपल जो अफोर्ड नहीं कर सकते गोवा जाना या करना, वो सारे साढ़े को आ रहे हैं। उन्होंने बैटर फील हो रहा है कि इतने आके सूँ भी वो बोर्ड्स जी आप गोवा USA जाके शूट करना वो साढ़ा इतने हो रहा है, उन्होंने बहुत बेनीफिट है ये साढ़े को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो कपल। मिनी गोवा में आके ये है कि एक तरह से डिफरेंट प्लेस है पूरे पंजाब की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली भी। यहाँ आके फैमिलीज अपना टाइम स्पेंड अच्छा से कर सकती हैं। यहाँ पर ग्रेट लेक व्यू है, एक ओपन एरिया है जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा माहौल बन गया है। ये जगह टूरिज्म के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे व्यूज है, एस्थेटिकली बहुत सुंदर है, लेक है और हमारे पंजाब के लिए सबसे अच्छे टूरिज्म के लिए है। यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जैसे बोटिंग पॉइंट है, यहाँ पे खाने के लिए अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं, सब कुछ है, बस एक्सप्लोर करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज से 10 साल पहले जब हम स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में हमने यहाँ पे आए थे तब कोई नहीं आता था यहाँ पे, पर अब जब ये जगह लोगों ने एक्सप्लोर करनी शुरू की है तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिकल वे में भी हमारा बहुत ही अच्छा पठानकोट या पंजाब का राइज होगा। देखो ये जो चमरोड पतन का एरिया है जो मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है, तो इतने यदि तुम देखोगे और तुम जाके भी आए हो नीचे तो इतने हर टाइप की एक्टिविटीज़ हैं जो कि फैमिली मेम्बर्स के लिए भी हैं, यंगस्टर्स के लिए भी हैं, तो एवरी फीमेल्स के लिए भी, एवरी एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं और सब के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ है एक्टिविटी देने के लिए। यदि तुम इस एरिया का लैंडस्केप देखोगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड है, वाटर बॉडीज़ हैं, देन आपकी धौलाधार पीर पंजाल रेंज है सामने, तो एक अपने आप में एक बहुत यूनिक लैंडस्केप है जो कि काफ़ी कम जगह पे मिलता है। तो इस जगह को प्रमोट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दूसरे को हमारे पास जो आर्ट हैं ऑल वेदर हट्स हैं यहाँ पे, तो इसकी जो लोकी हैं वो गोआई भी वो है मेक माई ट्रिप के थ्रू बुकिंग करा सकते हैं, ऑफलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। साढ़ा फ़ोन नंबर है वो हर जगह पर शेयर किया हुआ है, जितने भी हमारे होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट है सब जगह पे। इस तो अलावा यदि यूट्यूब देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे कि तो कितने भी धारकला या मिनी गोवा के नाम पे सर्च करोगे तो यहाँ पे काफ़ी पेज हैं जिसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, तो इतों भी उससे भी लोग की जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। जो तो मैं दसना चाहता कि इतने फूड वैन्स अवेलेबल हैं हर टाइप के, जो भी फास्ट फूड या फिर और भी जिस ATV बाइक्स हैं, ठीक है। उस तो अलावा हॉर्स राइडिंग है, बुल राइडिंग है, देन उसके बाद में जो सबसे अट्रैक्शन यहाँ पे है बोटिंग है, हाई स्पीड बोटिंग है यहाँ पे। और इसके अलावा जो हमारी हट्स हैं यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बना हुआ है, जिथे यदि स्कूल के बच्चे आते हैं या फिर और भी कोई इंटरेस्टेड बंदा आता है तो वो एनवायरनमेंट के बारे में जान सकता है। इस तो अलावा जो इस आसपास का एरिया है वहाँ पे हमने काफ़ी सारे नेचर ट्रेल भी बनाए हुए हैं जो कि हर टाइप के 2 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर के, 6 किलोमीटर के। तो जो लोग कि जैसे मान लो कि कोई इंटरेस्टेड हो बर्ड वॉचिंग में, इस तो अलावा फ्लोरा फोना एक्सप्लोर करनी हो लोकल एरिया की, तो वो भी उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये जो एरिया है
इसकी जो एक इनिशियल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस एरिया का हो चुका है। इतने ना जस्ट कि जो अपने बात करिए कि अमृतसर जलंधर तो टूरिस्ट आते हैं, बट पूरे इंडिया तो टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये एरिया जो एक तो इसकी जो लोकेशन है, अमृतसर भी तुम देखो तो 1.5 घंटे के रास्ते से इतों, फिर उस तुला जो पठानकोट डेलोजी रोड जा रही है वो हार्डली 5 किलोमीटर है, अंदर आके तुम मिनी गोवा आ जाते हो, तो उस टाइप के वो भी जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो सारे के सारे इतने आ रहे हैं। सारे लोगों को पता है कि भी हाँ इतने भी इस टाइप की जगह एग्जिस्ट करती है जितने वो आके आराम से कुदरत के नाल बैठ के उसका आनंद ले सकते हैं।